नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। आपकी टीवी स्क्रीन पर पुलिस गिरफ्त में खड़े मासूम से दिखने वाले ये तीनों शातिर चोर हैं, जो पलक झपकते ही बंद घर का ताला तोड़कर कीमती सामान पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाते हैं। इन शातिर चोरों को गुरुग्राम के सेक्टर 17 की क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। तीनों पहले बंद घरों की रैकी करते थे और उसके बाद बंद घरों से कीमती सामान चोरी कर फरार हो जाते थे। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीनों शातिर चोर ताला तोड़ने में भी माहिर है। एसीपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने गुरुग्राम में चोरी की दो वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस ने तीनों को रिमांड पर लेकर चोरी किए गए सामान की बरामदगी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। एसीपी क्राइम की माने तो पवन कुमार ने थाना बजखेड़ा में शिकायत दी थी कि वह परिवार सहित दिल्ली गया था। जब वापस मकान आए तो मकान के मेन गेट अंदर कमरों व अलमारी के ताले टूटे हुए मिले थे। चेक करने पर घर में रखे ज्वेलरी व नकदी चोरी मिले। पवन की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 454 380 के तहत मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है तो ताला तोड़कर चोरी करने वाले तीन आरोपियों को लेजर वैली पार्क से काबू कर लिया है। आरोपियों की पहचान बंटी, भोलू व विनोद के रूप में हुई है। आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर गुरुग्राम में मकान के ताले तोड़कर चोरी करने की कुल दो वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है। ये तीन आरोपी हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए लगातार घरों में चोरियां हो रही थी। दिन के समय ये चोरी करने के शातिर बदमाश हैं, जो लगातार इस तरह के कार्य में बिजी हैं, और इनमें से तीन लोगों को हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके नाम बंटी, विनोद और बोलू है। ये राजस्थान के अजमेर ज़िले के रहने वाले हैं और बागड़िया के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ झुग्गियों में रहते हैं, गुड़गांव में। और ये दिन में रेकी करके, जो घर बंद हो उसकी रेकी करके, उस घर में चोरी करके और यहाँ से भाग जाते हैं राजस्थान, और इस तरह की वारदात लगातार करते रहते हैं। इन्होंने बजेड़ा थाने के इलाके में एक वारदात की थी, ये दिनांक 22/5/22 को हमने उसमें इनको गिरफ्तार किया है और इनको पुलिस रिमांड पे लिया है। 26 तारीख तक ये पुलिस रिमांड पे है, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने एक और इस तरह की घटना के बारे में हमें जानकारी दी है कि वो भी चोरी की घटना इन्होंने की है, लेकिन हमें उम्मीद है ये बहुत सारी घटनाओं में शामिल हैं। काफ़ी हार्डकोर क्रिमिनल हैं, बहुत कम बताते हैं, पुलिस को कोऑपरेट बहुत कम करते हैं जानकारी में, लगातार फिर भी इन पे हम दबाव बना के और इनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है और भी चोरियों का खुलासा इनसे होगा। ये भी उधर का एक इस तरह का गिरोह है जो बहुत अनपढ़ लोग हैं, यहाँ आके लगातार वो एक पर्टिकुलर बेल्ट के लोग यहाँ चोरियाँ करते हैं और चोरी करके वहीं भाग जाते हैं। यहाँ झुग्गियों में रहते हैं, इनका पता ठिकाना कुछ होता ही नहीं, लेकिन हमारी क्राइम ब्रांच ने काफ़ी मेहनत करके इनको ढूंढ के पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आगे इनको दूसरे मुकदमों में भी शामिल जांच करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब तक करीब 50-56 सुशांत लोग में बहुत सारे एक स्ट्रीट्स में इंसिडेंसेस हुए थे जिसमें कि घर आधे घंटे एक घंटे के लिए बंद रहा, दोपहर को या रात को उसमें चोरी हो गई। ये यही है या नहीं, उसके बारे में इन्होंने अभी नहीं मानी है, ये लगातार इनसे पूछताछ जारी है, लेकिन इन्होंने दो वारदातों के बारे में जिनके बारे में खुलासा किया है उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है और आगे की और घटनाओं के बारे में भी इनसे पूछताछ लगातार जारी है, और अगर जिनमें भी इनकी शमूलियत होगी उनमें इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, इस जो ये घटना थी इसमें ये तीन ही शामिल थे, बाकी जहाँ पे इन्होंने बेचा है जो जेवरात वगैरह यहाँ से चोरी करके। पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर घरेलू चोरी की दो वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इन तीनों ने गुरुग्राम एवं आसपास के किन इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है इस बात का पता लगा है, साथ ही पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश में भी जुट गई है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।